नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास, इंस्ट्रक्टर टर्नर। आज आपके साथ में टर्नर ट्रेड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन यानी कि लेथ मशीन के पार्ट्स पे डिस्कशन करूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी खराद मशीन होती है, लेथ मशीन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको सब मशीनों की जननी कहा जाता है और ये टर्नर ट्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण मशीन है। इसी मशीन के इर्द गिर्द हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है टर्नर ट्रेड की। तो लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानना एक टर्नर को बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि लेथ मशीन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है। थोड़ा सा संक्षेप में आज हम उसको डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेथ मशीन के पांच मुख्य पार्ट्स की, उसके बाद जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पे भी हम बारी बारी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं ये जो पूरी एक मशीन है इसमें नीचे की तरफ दो बॉक्स टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक ये है, ये है। पूरी मशीन इन दो बॉक्स के ऊपर आपको रखी हुई दिखाई दे रही है। तो इनको कहते हैं लेग। ये लेथ मशीन की लेग है, पूरी मशीन के इनके ऊपर टिकी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट मेन पार्ट है लेथ मशीन का वो है हेड स्टॉक। ये है लेथ मशीन का हेड स्टॉक, जो लेथ मशीन के लेफ्ट साइड में एक चकोर टाइप का बॉक्स आप देखते हैं, इसको कहते हैं लेथ मशीन का हेड स्टॉक। तो ये हेड स्टॉक जैसे हमारा एक ह्यूमन पार्ट्स में एक हमारा इंसान का सिर होता है, पूरी कंट्रोलिंग वहाँ से होती है, वैसे ही लेथ मशीन की मैक्सिमम पूरी कंट्रोलिंग हेड स्टॉक से होती है। इस हेड स्टॉक के अंदर बहुत सारी गरारियाँ लगी होती हैं, बहुत सारे शाफ्ट होते हैं, जो हमारा एक इधर ये चक लगा होता है उसका स्पिंडल, हॉलो स्पिंडल होता है, वो हॉलो स्पिंडल इसके अंदर से लगा होता है। इसको स्पिंडल को यानी कि इसको चक को जिसमें हम जॉब को बांधते हैं उसको विभिन्न स्पीड पे चलाने के लिए, अलग अलग स्पीड्स पे चलाने के लिए इसमें हेड स्टॉक के बाहर लीवर्स लगे होते हैं और उन्हीं के हिसाब से उस पर एक स्पीड चार्ट लगा होता है। उस चार्ट को देख के हम इन लीवर्स को सेट करते हैं और हमें अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की स्पीड प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारा ये लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक है वो बहुत मेन पार्ट है। दो पार्ट हो गए आपके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट लेथ मशीन का वो है टेल स्टॉक। मुख्य पार्ट में ये टेल स्टॉक देखो, जो आपका मशीन है उसके राइट साइड में होता है, बेड के ऊपर टिका होता है। ये टेल स्टॉक जो आप दिखा दे रहे हैं, इसको इसका लॉकिंग स्क्रू को ढीला करके हम इसको पूरे इसके बेड के ऊपर इसको स्लाइड कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस टेल स्टॉक का मुख्य जो काम होता है वो होता है लेथ मशीन पे लंबी और पतली जॉब को सहारा देने के लिए होता है, कि जैसे कोई लंबी और पतली जॉब होगी तो हम उसको चक में पकड़ के एक तरफ से बनाएंगे तो वो लंबी होने के कारण, ओवरहैंग होने के कारण वो फ्लक्चुएट करेगी, तो उसको दूसरे एंड से सहारा देने के लिए टेल स्टॉक में जो है सेंटर आदि लगाकर उस पर उसका टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा ड्रिलिंग करते समय लेथ मशीन पे, रीमिंग करते समय भी टेल स्टॉक का इस्तेमाल कई कामों में, महत्वपूर्ण कामों में किया जाता है। टेपर टर्निंग अटैच, टेपर टर्निंग करते समय टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा भी टेल स्टॉक का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तीन पार्ट्स हो चुके हैं, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आगे बढ़ते हैं, बेड। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक बेड है, यहाँ से लेके और ये पूरी मशीन की लंबाई तक यहाँ तक बेड होता है। ये बेड बहुत मेन पार्ट होता है क्योंकि इस बेड के ऊपर मशीन के तीन मुख्य पार्ट्स उस पर रखे होते हैं। एक तो लेफ्ट साइड में इसके ऊपर बेड के ऊपर हेड स्टॉक होता है, जैसे ये हेड स्टॉक हमने अभी पढ़ा था पहले नंबर पे। इसमें बेड के लेफ्ट साइड में ये बेड के ऊपर फिटेड होता है बहुत एक्यूरेसी से, और राइट साइड में जैसे आपको बताया कि टेल स्टॉक होता है। बीच का जो एरिया है, बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इस पर मूवमेंट करता है, उसको कहते हैं कैरिज। ये कैरिज देखो, ये एक व्हील चलाने से, ये पूरी एक यूनिट चल रही है, हालांकि इस यूनिट में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं आगे, लेकिन ये पूरा कैरिज, ये जो पूरा मूवमेंट कर रहा है इसको कैरिज कहते हैं। तो ये कैरिज का जो मुख्य काम है लेथ मशीन पे, वो टूल की मूवमेंट, टूल को लेके चलता है, टूल की मूवमेंट जो है ना उस पर कैरिज के माध्यम से होती है। तो ये हो गया आपका कैरिज। इस तरह से लेग, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड और कैरिज, ये पांच मुख्य पार्ट्स आपके हो चुके हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कैरिज में देखिए अब आगे और कौन कौन से पार्ट होते हैं। कैरिज के ऊपर एक ये क्रॉस स्लाइड होता है, ये देखिए इस तरह से ये क्रॉस स्लाइड चल रहा है। ऐसे कैरिज को ऐसे चलाने से टूल अक्ष के पैरेलल मूवमेंट करता है, लेकिन क्रॉस स्लाइड को चलाने से जो टूल है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर मूवमेंट करता है। ये हो गया आपका क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड। ये छोटी सी एक स्लाइड होती है, ये इस तरह से मूवमेंट करती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कंपाउंड रेस्ट जो है इसका बेस में डिग्री के निशान बने होते हैं, ये पूरा 180 डिग्री में 360 डिग्री में पूरा मूवमेंट कर जाता है। ये हो गया हमारा क्रॉस स्लाइड के ऊपर, हो गया कंपाउंड स्लाइड। अब कंपाउंड स्लाइड के ऊपर एक और छोटा सा यूनिट आप जो चकोर टाइप का देख रहे हैं इसको कहते हैं टूल पोस्ट। ये टूल पोस्ट भी विभिन्न मशीनों पे विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम ये वाली मशीन देख रहे हैं, इस पर फोर वे टूल पोस्ट है। इस टूल पोस्ट के अंदर एक साथ चार टूल बांधे जा सकते हैं, चार टूल बांध के प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। इसमें हम चार टूल एक साथ बांध के, तरह तरह के टूल बांध के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टूल पोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जो आप हेड स्टॉक देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको एक और बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के ऊपर भी बहुत सारे लीवर्स लगे हुए हैं, इंडिकेशंस लगे हुए हैं। ये इस पार्ट्स को कहते हैं नॉर्टन गियर बॉक्स। इस नॉर्टन गियर बॉक्स का इस्तेमाल होता है विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ काटते समय, चूड़ियाँ काटने के लिए और लेथ मशीन को ऑटोमेटिक फीड पे चलाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक चार्ट लगा हुआ है, ये स्क्रू थ्रेड काटने के लिए, चूड़ियाँ काटने के लिए और ऑटोमेटिक फीड देने के लिए लीवर्स की पोजीशंस का एक चार्ट लगा होता है। इस चार्ट को देख के विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ काटने के लिए या फिर ऑटोमेटिक फीड देने के लिए हम इस चार्ट को देख के ये जो लीवर्स दिए हुए हैं इन लीवर्स को अलग अलग पोजीशन पे सेट करते हैं और हमारे जो लीड स्क्रू और फीड रोड है वो उनको मूवमेंट होती है। तो ये हमारा पार्ट हो गया नॉर्टन गेयरबॉक्स। अब और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक हर लेथ मशीन पे आपको ये दो रॉड दिखाई देती हैं। ये दोनों रॉड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो आप रॉड दिखाई दे रहे हैं अक्सर इसके ऊपर चूड़ियाँ कटी होती हैं। ये चूड़ियाँ जो होती हैं खास तरह की थ्रेड्स होती हैं, ये एक्मी थ्रेड होती हैं जिनका 29 डिग्री एंगल होता है। वो एक्मी थ्रेड इस रॉड पर कटी होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं लीड स्क्रू। तो ये वाली जो होती है रॉड इसको कहते हैं लीड स्क्रू। ध्यान रहे इसके ऊपर एक्मी थ्रेड होती है और 29 डिग्री का एक्मी थ्रेड का एंगल होता है। और इस रॉड का इस्तेमाल जो किया जाता है वो चूड़ियाँ काटते समय किया जाता है। जब हम चूड़ियाँ काटनी हो लेथ मशीन पे तो हमारी ये वाली लीड स्क्रू मूवमेंट करती है, उसी के माध्यम से हमें चूड़ियाँ जो है वो काटी जाती हैं। उसी के साथ हम दूसरी रॉड देख रहे हैं, ये प्लेन रॉड है, इसको कहते हैं फीड शाफ्ट। असल में ये प्लेन रॉड नहीं होती, इसके अंदर एक पूरी लंबाई के अंदर एक कीवे कटा होता है, एक ग्रूव कटा होता है, खांचा कटा होता है। तो ये इसलिए इसका नाम फीड रॉड है। इसका इस्तेमाल लेथ मशीन पे टूल को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए किया जाता है। तो जब भी हम ऑटोमेटिक फीड देंगे क्रॉस स्लाइड को या कैरिज को तो फीड रॉड का इस्तेमाल किया जाएगा, चूड़ियाँ काटने के लिए लीड स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक ये आप लीवर देख रहे हैं, ये लीवर है, इसको कहते हैं हाफ नट लीवर। हाफ नट लीवर का मतलब है ये एक हाफ नट होता है इस तरह से, इसके बीच में लीड स्क्रू गुजरता है और इसको लीवर को हम जब दबाते हैं तो ये इस तरह से मूवमेंट करता है, इस तरह से खुलता है। यानी कि लीड स्क्रू के साथ में अंगेज और डिसंगेज होता है इसको दबाने से और इसको उठाने से। तो चूड़ियाँ काटते समय इस लीवर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं हाफ नट लीवर। इसी के साथ में एक और छोटा सा आप डायल टाइप का देख रहे हैं, ये डायल है, इसको चेजिंग डायल कहते हैं। ये भी चूड़ियाँ काटते समय ही इस्तेमाल किया जाता है, चेजिंग डायल। यानी कि इस चेजिंग डायल पे ग्रेजुएशन बनी होती है, किसी पे चार होती है, किसी पे आठ होती है। ये एक्चुअली चूड़ियाँ काटते समय चूड़ी को चेज करने के लिए थ्रेड काटते समय टूल बार बार उसी रास्ते में से जाए और हमारी चूड़ियाँ सही कटें तो इस डायल का सहारा लिया जाता है, इसलिए इसको चेजिंग डायल कहते हैं। ये चेजिंग डायल चूड़ियाँ काटते समय इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब नेक्स्ट हम इस पूरे बॉक्स को देख रहे हैं जो कैरिज में लगा हुआ है ये आगे की तरफ, इसको कहते हैं एप्रेन बॉक्स। एप्रेन बॉक्स ये आगे की तरफ हैंग होता है कैरिज के साथ में, पूरा कैरिज का एक पार्ट है एप्रेन बॉक्स। इस एप्रेन बॉक्स के अंदर कई तरह के फीड मैकेनिज्म लगे होते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि ये हाफ नट लीवर है, इसका हाफ नट इसके अंदर लगा होता है। ऐसे इसके अंदर ये रैक बेड के साथ में जो रैक होती है, रैक और पिनियन इसके अंदर लगे होते हैं, वॉर्म एंड वार्म व्हील इसके अंदर लगे होते हैं। तो जितने भी हमारे मोशन के ट्रांसमिशन के जो मैकेनिज्म है, रैक एंड पिनियन है, वॉर्म एंड वार्म व्हील है या हाफ नट है, वो इस तरह से लगे होते हैं। और इसके अंदर ऑयल डालने की, लुब्रिकेशन डालने की भी व्यवस्था इसके अंदर होती है। साथ ही साथ इसके ऊपर जो कुछ लीवर होते हैं वो मशीन को ऑटोमेटिक फीड टूल को जब हम ऑटोमेटिक फीड देते हैं, ऑटोमेटिक फीड देने के लिए देते समय इन लीवर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो एक लंबी सी हमें एक ट्रे दिखाई दे रही है, पूरी ट्रे है, इसको ट्रे कहते हैं, स्क्रैप ट्रे कहते हैं इसको या चिप्स ट्रे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम इस पर कोई ऑपरेशन करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो टूल के द्वारा जो धातु जो छिलती है, छिल के वो ऐसे नीचे बिल्कुल डायरेक्ट वो ज़मीन पे ना गिरे, वो ट्रे में इकट्ठी होती रहती है, तो उसके लिए ये इसको स्क्रैप ट्रे कहते हैं। वो चिप सारा इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको कलेक्ट करके और स्क्रैप यार्ड के अंदर भेज देते हैं। उसके अलावा इसमें एक और आप देख रहे हैं कि ये एक बॉक्स टाइप का रखा हुआ है, ये है इसका कूलेंट बॉक्स। ये आपको ऑपरेटर को मशीनिंग करते समय टूल और जो गर्म ना हो तो कूलेंट डालने की आवश्यकता पड़ती है, तो कूलेंट बॉक्स इसके साथ में दिया होता है पाइप के माध्यम से। एक ये जैसे ये पाइप है, इसको एडजस्ट करते हैं, उसको कूलेंट से भरा जाता है टैंक को, और ऑपरेशन करते समय कूलेंट डायरेक्ट सप्लाई वहाँ पे होता है, तो टूल की लाइफ बढ़ती है, जॉब गर्म नहीं होती, साइज उसके ठीक रहते हैं, इसलिए इसका कूलेंट टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये आज लेथ मशीन के जो मेन मुख्य पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, क्या उनकी पहचान है, और वो मुख्य रूप से क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, आज संक्षिप्त में हमने जो है ना इसके बारे में पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। थैंक यू।